इतने हजार आदमियों के बीच में आज फिर बोल रहा हूं, अराष्ट्रकारा ने अगर आज तक किसी के 10 रुपये खाए हो उसके 5 गुना उल्टे देगा, साबित करके दिखा दो। हमने उस डर में जिंदगी काटी है, 24 घंटे आगे पीछे मौत घूमे जाया करती, दम किया आया करती, या तो पार्टियां ज्वाइन कर ले वरना पार्टियां के खिलाफ हकीकत बोलनी छोड़ दे, तू नहीं तो तेरे परिवार का हाथ धो बैठेगा। जिस दिन ये सत्ताधारी कामयाब हो गए, आपका बेटा अगर चुनाव हार गया, 100% इस सभा के बीच में कहता हूं, कांग्रेस बनो या बीजेपी, दोनों की आंख में रड़कन लग रहा हूं, कोई सा भी मने छोड़ेगा नहीं। मुझे डर एक बात का रहता है, मेरी भी 5 महीने की बेटी है, मेरा भी 6 साल का बेटा है, मेरी भी पत्नी अभी जवान उम्र में है। सभा के अंदर बैठे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी मातृ शक्तियां, मंच के ऊपर बैठे सभी बुद्धिजीव, आप सभी के चरणों में सबसे पहले आपके बेटे आपके बच्चे हर शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। आज भाषण नहीं, पंचायत के अंदर इस रैली के अंदर अपनी वो हकीकत बताऊंगा, शायद सुनने के बाद अगर किसी का पत्थर दिल हो वो भी सोचेगा। मेरे साथ में मेरी पत्नी खड़ी है, समाज सेवा करने के लिए जब मैं घर से निकल के जाता था, समाज सेवा का नतीजा बताता हूं, 1000 से ज्यादा जो बहन बेटियों की शादियां करवाई, 157 बहनों के बात भरे, 5000 से ज्यादा परिवार बसाए, 5 लाख से ज्यादा आदमियों को राशन खिलाया, 6 लाख आदमियों से ज्यादा को रक्त दिलवाया, ये काम करते हुए बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है। आज समाज की कुछ वो हकीकत बताता हूं, मेरे को तो चोर बोला जाता था कि चोर है चंदा चोरता है, साथ में जो मेरी पत्नी खड़ी है, अगर कॉलेज के अंदर जाती पता लग जाता हर शिकारा की पत्नी है, इसको भी ये बोला जाता कि चोरी के पैसे से ऐसा राम की जिंदगी काट रहे हैं। 6 साल का बच्चा है मेरा, मेरे बच्चे को भी इस प्रकार के ताने दिए जाते थे, और मैंने एक बात बोली, इतने हजार आदमियों के बीच में आज फिर बोल रहा हूं, अराष्ट्रकारा ने अगर आज तक किसी के 10 रुपये खाए हो उसके 5 गुना उल्टे देगा, साबित करके दिखा दो। बात का है ये ताने इस मारे मारे जाते, एक गरीब का बालक एक गरीब का बेटा, 1997 का वो दिन आज भी याद है, 11वें महीने की वो 2 तारीख एतवार का दिन, जिस मां का मन जन्म लिया, मेरी मां मेरी आख्या के सामने सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर तड़प तड़प का मरण लाग रही थी, और उसकी मौत का कारण था 50,000 रुपये नगद न होना, उसकी मौत का कारण था बड़ी सिफारिश न होना, और मेरी मां बार बार एक बात कहती, मेरे बड़का का क्या होगा, मेरे बड़का का क्या होगा। उस टाइम पे मेरे भाई की उम्र 3.5 साल थी, मेरा दादा दादी 1 साल के अंदर ही सब भगवान को प्यारे हो गए, 7 साल के इंसान ने बच्चे ने जब रोटियां बनानी शुरू करी, पता लग गया बिना मां और बिना औरत परिवार क्या होता है। 6ठी क्लास में सन 2000 में सरकारी स्कूल में जब 11 रुपए फीस होती थी, दी नहीं जाती थी, उस दिन पता लग गया ये पैसा क्या होता है। धीरे धीरे बड़े हुए, 2012 से जब समाज सेवा में आए, अच्छा भाईचारा सोनीपत गोवाना के अंदर मिला,
जब यह समझ में आया दुख तकलीफ गरीब की क्या होती है, उस दिन से मैंने एक प्रण लिया, मेरे जीवन में मेरी आंखों के सामने अगर कोई बहन बेटी दुखी होगी, परेशान होगी, किसी के मां बाप नहीं होंगे, मैं उसको अपनी आंखों के सामने दुखी नहीं देखूंगा, तड़पते हुए नहीं देखूंगा। और आज इतनी बड़ी बड़ी घोषणा करता हूं, अरश्चिकारा जो अपने मुख से शब्द निकाल लेगा वे पूरे करके दिखाऊंगा। आप लोगों के बीच में आज एक घोषणा करता हूं, अगर अरश्चिकारा चुनाव जीतता है, जितनी हजार वोटों से चुनाव जीतवाओगे उतनी हजार बेटियां का ब्याह करवाऊंगा, गारंटी है। अब बड़ी चीज ये आती है, हमने उस डर में जिंदगी काटी है, 24 घंटे आगे पीछे मौत घूमे जाया करती, धमकिया आया करती, या तो पार्टियां ज्वाइन कर ले वरना पार्टियां के खिलाफ हकीकत बोलनी छोड़ दे, तू नहीं तो तेरे परिवार का हाथ धो बैठेगा। मैं आप लोगों के बीच में आज एक बात कहता हूं, मैं मरने से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, मुझे डर एक बात का लगता है, जिस दिन ये सत्ताधारी कामयाब हो गए, आपका बेटा अगर चुनाव हार गया, 100% सभा के बीच में कहता हूं, कांग्रेस बनो या बीजेपी, दोनों की आंख में रड़कन लाग रहा हूं, कोई सा भी मन छोड़ेगा नहीं, लेकिन मेरी मौत के बाद, मेरे को मौत का डर नहीं है, छाती ठोक के कहता हूं, मेरी मौत के बाद मुझे डर एक बात का रहता है, मेरी भी 5 महीने की बेटी है, मेरा भी 6 साल का बेटा है, मेरी भी पत्नी अभी जवान उम्र में है, जब मेरे सामने मेरे बच्चों को चोर बोला जाता है, शायद ये समाज ये मेरी बेटी है 5 महीने की, दुख होता है जब मेरे बच्चों को गालियां मिलती हैं, और वो भी समाज के लिए। आप लोगों के बीच में एक वादा करता हूं, पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर 15,000 बेटियों का बलात्कार हुआ है, 10 साल के अंदर 10,000 बेटों की हत्या हुई है, अगर तुम्हारा बेटा चुनाव जीत गया, गोवाना के अंदर बलात्कार जैसी घटना हुई, बीच चौराहे में खड़ा करके आग लगा दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक जिम्मेदारी आप लोग ले लो, चुनाव हार गया तो मेरे परिवार को आप लोग संभालोगे, मैं ये नहीं कहता पैसा का सारा लगाओगे, लेकिन मेरे परिवार को बदनाम नहीं करोगे, यही बोलोगे तुम्हारा बाप लड़ाक का था, समाज के लिए अपनी जान दे के गया है। अगर तुम्हारा बेटा चुनाव जीतता है, फिर जितने ये गुंडे बदमाश मवाली जो गोवाना शहर के अंदर धमकियां देते हैं, वारदात करते हैं, गोलियां चलाते हैं, या तो अपना बोरी बिस्तरा बांध के शपथ लेने से पहले गोवाना छोड़ देना, वरना अगले 24 घंटे पकड़ने नहीं दूंगा, गारंटी है। 2 दिन चुनाव न संभाल लियो, 2 दिन थारे बीच में वादा करूं, 5 साल तक गोवाना जिले के अंदर तुम्हारा मजदूर बनकर तुम्हारा बेटा तुमने संभालेगा, इस बात की गारंटी है। लाग रहे हो न्यू मत सोचियो चुनाव हारो हो, कारण बता देता हूं, बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी ने एक निर्दलीय कैंडिडेट को 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया, यानी कि डर था अकेला चुनाव हार जाएगा, 2 जने हो गए। कांग्रेस पार्टी के विधायक साहब ने स्वयं कल रात को भाषण दिया है, मन ने नहीं बनाओ तो मेरे भाई शेवाड़े ने बना दियो,
उसने मत बनन दियो। यानी कि पहली लड़ाई आप लोग जीत चुके हो, दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले एक एक नहीं दो दो जने मिलकर चुनाव लड़न लाग रहे हैं। और अगर हो सके आज की रात ने कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, एक हो जाएंगे, पहले बता देता हूं। लेकिन इस सभा के बीच में एक बात कहता हूं, तुम्हारा बेटा अकेला यहां जो खड़ा है, न्यू का आग्रह शेर का बच्चा एक ही अच्छा, आप लोग अपने बेटे का आप लोग साथ दे देना। अगर आप लोगों ने साथ दे दिया, वो महाभारत वाला अभिमन्यु था जो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया था, ये आज का अभिमन्यु है, चक्रव्यूह को तोड़कर चंडीगढ़ एक साथ शपथ लेने चलेंगे। बात आती है काम की, अगर अच्छे कारा बन गया तो काम के करेगा। आप लोगों के सामने काम बता देता हूं। सबसे पहले गोवाना के अंदर, हर गांव के अंदर पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं है। दूसरी समस्या पानी की निकासी की है। तीसरी समस्या गलियां, स्कूल, सड़क सब टूटी हुई है। तुम्हारा बेटा जिस दिन से शपथ लेगा, सबसे पहली शुरुआत जल है तो कल है पानी लाने की करेगा, इस बात का वादा है। दूसरी बात आती है शिक्षा की। गोवाना के अंदर जितने भी मेरे ये बच्चे सबके सब मेरे होंगे, इनके लिए पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक सबकी शिक्षा फ्री होगी, एक रुपया नहीं लगने दूंगा। दूसरी बात आती है इलाज की। इलाज एक रुपए का हो या एक करोड़ का, तुम्हारा बेटा सबका इलाज फ्री करवाओगा, एक रुपया नहीं लगने देगा। तीसरी बात यह रोजगार की, सरकारी नौकरियां की। जितने भी हरियाणा के अंदर हलके हैं, 90 हलकों में से गोवाना हलके के अंदर और हलकों से 5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी थारा बेटा देवा होगा। हर गांव के अंदर खेल के स्टेडियम होंगे, खेल की सुविधाएं होंगी और गरीब बहन बेटियां मेरे हलके के अंदर 1,000 हो, 2,000 हो, 5,000 के चाहे 10,000 हो, थारा छोरा एकला ब्याह के देखा होगा, गारंटी है दाब नहीं आन देगा किसी पे। मेरी बहनों, जन्म देने वाली मां दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम सब मेरी मां हो, थारे दूध न ले जाऊंगा नहीं, अपने छोरे ने संभाल लियो। जितने नौजवान साथी हैं, आप लोगों को बता देता हूं, अगर भाई सरकारी नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, खेलकूद चाहिए, अपने भाई का हाथ मत छोड़ियो, थारा भाई तुमने कि पीछे नहीं रहने देगा। जितने मेरे बुजुर्ग हैं जिनको बुढ़ापा पेंशन मिलती है, गौर से सुनना, बुढ़ापा पेंशन जिसको भी मिलती है, सरकार कोई भी आओ, कांग्रेस आओ या बीजेपी, जो पेंशन वे देंगे, मेरे हलके के अंदर विधायक की तरफ से 500 रुपए सबको ज्यादा मिलेंगे। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आज से लेकर 5 तारीख को चुनाव को संभालने का काम आप लोगों का है, बूथ मैनेजमेंट का काम आप लोगों का है,
हकीकत में मेरे को कोई अपना भाई और बेटा मानने है, चुनाव में की तरोड़ा नहीं करेगा रे। न्यू क्या करे, एक घर का ना एक घर का चिराग जा है, कम से कम एक मां बिना बेटे की हो है, एक पत्नी विधवा हो है, एक बहन बिना भाई की हो है। आ जोड़ के कहूं भाई, अपने भाई के ऊपर रोड़ा मत करियो कोई सा भाई भी, क्योंकि सबसे है अपने से आज भी डरे हुए हैं। हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन तक नहीं दी। तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा ये कहता है, अगर चुनाव जीत गया थाने चौकिया की देड़ भी नहीं देखने दूंगा, किसे नहीं सा राज करके दिखा दूंगा, गारंटी है। जितनी हमारी जमीनें हैं सरकारी स्कूल की, चौपाल की, श्यामलाती जमीन, गोचरान जमीन, सारी की सारी जमीनें 2021-22 की सितंबर में मोदी साहब ने अपने नाम तरवाली है। थारे बीच में हाथ ठा के कहूं हूं, अपनी जमीन की तरफ गोवाना हल्के की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखन दूंगा, किसे ने उल्टी लेकर आऊंगा। अब बात आती है, सारे के सारे लोन ले रहे होंगे जितने बैठे हैं, को क्रेडिट लोन ले रहा होगा, को गाड़िया का लोन ले रहा होगा, किस्ता पर गाड़ी चलती होंगी। एक घोषणा ऐसी थारे बीच में जो करके दिखावांगे, डॉक्टर देवेंद्र बलारा सुनता हो तो आगे आ जाओ एक बार, डॉक्टर साहब जल्दी से आओ। भाई जितने लोन ले रहे हैं गोवाना हल्के के, एमएलए बड़ा ना बना सबका माफ करवाऊंगे, गारंटी है। डॉक्टर साहब है एक बार न्यू न्यू गारंटी ले लो, लोन माफ हो जाएगा कि नहीं? जमा नहीं होगा भाई, लोन माफ जब होया करे जब लोन लेके गलती कर रखी हो। लोन लेके लोन लेना अगर गलत बात है और लोन चुकता ना हो पाना अगर गलत बात है, तो जो भारत सरकार ने मारे को गिरवी रख के अमेरिका में वर्ल्ड बैंक से जो लोन ले रखा है, फिर सबसे बड़ी कसूरवार तो वह सरकार होगी कि नहीं होगी? तो पहले सरकार होगी। दूसरी बात, हमने गलती नहीं कर रखी है, हमारे साथ ठगी हो रही है, हमारे साथ चोरी हो रही है। आरबीआई ने, भारत की सरकार ने लिख के मारती दे रखा है कि जितना रुपया लोन में धरती दे रखा है यो फर्जी है, यो नकली है, इसलिए लोन माफ नहीं होगा। अगर अरज छिकारा विधायक बढ़ा तो भी और नहीं बढ़ा तो भी, गुआने आड़े गांव गांव कट्ठे होकर आ जाइयो, आपका सारा कर्जा जनता सरकार मोर्चा तारेगा, कागजा के हिसाब से तारेगा, कानून के हिसाब से तारेगा। ये ज्यादा पढ़े लिखे आदमी मारी बोली वाली जनता ने डरा और दे हैं, कह के न्यूआ गया है लोन माफ करवावांगे, पर तरीका बता के गया है। मैं देसी भाषा में कहूं, डॉक्टर साहब आप समझा के गए हो, लोन माफ कागज लेकर आइयो भाई, सबका करवावांगे, जिम्मेदारी है। एक बात और, जो को न्यू सोचता और रुपये कमानती एमएलए बनाए है, मेरे हलके के अंदर 62 गांव है, गोवाना शहर है, 5 साल के कार्यकाल में 60 तनखा मिल लिया करे, सारी की सारी सारे गांव में बाइक दुमाएगा नीचाता तनखा का। और जो खुटाड़ 28 साल तक गढ़ रहा था, कल अपने आप वीडियो गेर रहा है, खुट्टे की जड़ में तो लाग लिए कीड़े, पाड़ना पाड़ना रह गया, 5 तारीख न पाड़ देंगे। एक बात और कहूं, दोनों आते हैं, दोनों मारे जो कांग्रेस और बीजेपी के बुजुर्ग ताऊ हैं, कट्ठी पीपी टेक लियो, जब भी 50,000 तक रावांगे वादा है।
आप लोगों का जो जोश जो प्यार प्रेम, मेरी औकात नहीं थी इतनी बड़ी रैली करने की। अपने घर तक गाड़ी घोड़े ट्रैक्टर ट्रेली जो लेकर आए हो, अपनी गोज में का तेल फूक का आए हो, मोदी रैली कर गया, राहुल गांधी रैली कर गया, भूपेंद्र हुड्डा जी दीपेंद्र हुड्डा जी चारू रैली कर गए। कही थी एक बात, चारू कट्ठे होकर कर लियो इसी रैली जब भी नहीं कहोगी। आज से प्रचार बंद हो जाएगा, दिन रात गम्मा में बड़े रहियो। हर गांव के आदमी अपने आप को हरस्यकारा समझ के, अपना चुनाव समझ के 5 तारीख की शाम के 6 बजे तक बूथ मैनेजमेंट के ऊपर जी जान से चुनाव लड़ोगे, हमें हराने वाला कोई नहीं होगा। सारा एकला नेता ईसा है, पूरे चुनाव के अंदर 435 जनसभा करी, सिर्फ 3 बार माइक पकड़ा है 3 बार, और बाकिया ने चेक करवा लियो, हॉस्पिटल में अड्डे पड़े हैं, ग्लूकोज चढ़वा में माइक में बोलती आना भी। एक जोरदार नारा शहीद आजम भगत सिंह के जो आखिरी शब्द थे वो, इंकलाब मैं बोलूं आप लोगों ने बोलना जिंदाबाद, नारा इतना तेज हो चंडीगढ़ बैठे विपक्षियों को सुनाई दे, तैयार हो? इंकलाब जिंदाबाद।